सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई और अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, ये है साहिबाबाद RRTS का स्टेशन जो बन के कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। दोस्तों अब जो भी दिन बीत रहे हैं दोस्तों, वो इस पे रैपिड रेल स्टार्ट होने का इंतज़ार है दोस्तों, वो भी अगले महीने में दौड़नी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने सोचा क्यों ना आपको लास्ट बार इस साहिबाबाद RRTS के स्टेशन को दिखा दिया जाए दोस्तों, क्योंकि अभी इसका एंट्री एग्जिट पॉइंट बचा हुआ है एक, उस पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। बाकी दो एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का जो काम था वो बिल्कुल कम्प्लीट कर लिया जा चुका है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, ये है अंदर की पार्किंग जो इन्होंने ब्लैक टॉप करके और ये काम को कंप्लीट कर लिया गया है दोस्तों, और यहाँ पर गार्डों को बिठा दिया जा चुका है, देख सकते हो तस्वीरें। और आपको बता दूं कि इसके लेफ्ट हैंड पे ही पार्किंग दी हुई है, तो ये तो मतलब कि वसुंधरा के लोग यहाँ पर एंट्री एग्जिट पॉइंट ले सकते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट एग्जिट ले सकते हैं दोस्तों। तो इसी वजह से दोनों साइड से रास्ते दिए गए हैं दोस्तों। ये देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है ये साहिबाबाद RRTS का स्टेशन गाइस। तस्वीरें देख सकते हो, आमने सामने के दोनों एंट्री एग्जिट पॉइंट बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पर रैपिड रेल दौड़नी भी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इन पर ट्रायल रन अभी किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन डेट फाइनल नहीं हुई है कि इस पर कौन से दिन इस पर इसका मुहूर्त किया जाएगा, कौन से दिन से इस पर आम जनता के लिए खोला जाएगा दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये देखो पार्किंग बनाई हुई है गाड़ियों के लिए, यहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये एंट्री एग्जिट पॉइंट दिया हुआ है ताकि इधर ऊपर चढ़ सकें इस पर। रैपिड एक्स साहिबाबाद मेट्रो स्टेशन देख सकते हो तस्वीरें, कुछ ये नज़ारे हैं गाइस। ये बन चुका है तो यही है नज़ारा, चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के। दोस्तों इसके अंदर बनाई गई है टनल देख सकते हो, और टनल के अंदर देखो ये रखे हुए हैं इसके क्या ट्रैक स्लैब, देखो कितने सारे ट्रैक स्लैब रखे हुए हैं, और आगे बनाई जा रही है टनल तो उसके अंदर है। देखो आपको दिखाऊँ, देखो उधर काम चल रहा है टनल का, जो ये मशीन खड़ी हुई है देखो वो बनाई जा रही है टनल, उस साइड में टनल बनाई जा रही है। तो चलते हैं उधर ही दिखाते हैं चल के आप सभी को। ये तो मैंने ऐसे ही दिखाया है आप सभी को, क्यों आगे भी टनल बनाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, देखो वो JTB मशीन लग रही है वहाँ पर, बस यही है नज़ारे यहाँ के। तो दिखाते हैं चल के आगे आप सभी को। यह है दोस्तों वैशाली मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन, तस्वीरें देख सकते हो, और यहाँ से इसमें जोड़ दिया जाएगा दोस्तों रैपिड एक्स में। तो इसके सामने देखो रैपिड रेल का काम ये चल रहा है, देखो इसमें अभी ट्रैक स्लैब बिछाए जाने हैं, और ट्रैक स्लैब जब बिछाए जाएंगे देखो वो उधर रखे हुए हैं ना, जैसा कि मैंने आप लोग सभी को दिखाया था। तो यहाँ से ये दिल्ली स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि 6 किलोमीटर की अंदर ये अंडरग्राउंड टनल है जो आनंद विहार के अंदर दोस्तों, ये अंडरग्राउंड स्टेशन होने वाला है रैपिड रेल का। तस्वीरें देख सकते हो आप लोग, तो अभी ये बॉल बना दिए हैं इन्होंने, अभी तो इसके ऊपर भी खड़ा किया जाएगा, तो अभी काम चल ही रहा है। देखो वो टीम लगी हुई है, ये देख सकते हो ये टीम लगी हुई है। तो टनल तो बन चुकी है, अब इसका फिनिशिंग का काम किया जा रहा है ये देखो, और ये यहाँ से ऊपर एलिवेटेड हो जाएगी दोस्तों, कुछ यही सीन है देखो। तो काफ़ी इसमें बस इसमें ये साइडों की ये बॉली बनाई है, बॉली बनाने में टाइम लगा, देखो सरिये सरिये कैसे लगे हुए हैं इसमें, टोटल सरिये सरिये लगे हुए हैं, मिस्त्री काम कर रहे हैं वहाँ पर। और अब इस पर ये ट्रैक बिछाया जाएगा, देखो वो ट्रैक रखे हुए हैं बहुत सारे, और इधर देखो ये मटेरियल रखा हुआ है सारा इंच का कंस्ट्रक्शन का सामान, तो इसी तरीके से बनाई जा रही है, इसमें मिट्टी भरने का काम चल रहा है, और यहाँ पर ये पिलर बनाया है, इधर भी ये हो जाएगा। तो यही सीन है यहाँ का, और यहाँ से साहिबाबाद है करीब 10 मिनट की दूरी पर दोस्तों। तो कुछ ऐसे बनाई जा रही है ये टनल दोस्तों, यहाँ से टनल गुजरेगी, फिर ये एलिवेटेड हो जाएगा मेरठ सेंट्रल के बाद में, फिर ये अंडरग्राउंड हो जाएगी, जिसके मेरठ के अंदर 3 स्टेशन हैं दोस्तों जो कि अंडरग्राउंड हैं, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। तो यही सीन है, तो आप चलते हैं साहिबाबाद
RRTS का स्टेशन दिखाते हैं चल के, वहाँ पर क्या कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है। और देखो ये बॉल बनाने का काम चल रहा है, इन पर कॉन्क्रीट भरा जा रहा है अभी, ये देख सकते हो तस्वीरें। तो यही सीन है। और वैशाली मेट्रो स्टेशन तो ये आपने देखा ही, यह है वैशाली मेट्रो स्टेशन। अब चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आपको साहिबाबाद का स्टेशन। दोस्तों चलिए चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं और आगे देखने के लिए मिलेगा आप सभी को। देख सकते हो ये बाल बनाए जा रही है, इस पर सेटरिंग लगी हुई है दोस्तों। और यहाँ से ये एलिवेटेड होता चला जाएगा, ये सेटरिंग लगा रखी है ताकि ये एलिवेटेड होता चला जा रहा है आगे की साइड में। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बायोडक्ट आके ख़त्म हो जाता है दोस्तों। अब इसमें बता दो, ट्रैक स्लैब बिछाने का काम चल रहा है, इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खम्भे लगाए जा रहे हैं और खम्भे के ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जा रहा है दोस्तों। अभी तो बस एलिवेटेड पार्ट पर यही चल रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को साहिबाबाद का RRTS का स्टेशन देखने के लिए मिलेगा आगे दोस्तों। और आपको बता दूं दोस्तों, आगे ये रेड लाइट और रेड लाइट के बगल में ये कंट्री इन होटल है दोस्तों, बहुत बड़ा होटल है। तो देख सकते हो सारे में ही इसमें रेलिंग भी लगा दी है, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी लगा दिए हैं और इस पर ट्रैक स्लैब भी डाल दिया जा चुका है दोस्तों। और इसमें अब ओवरहेड इक्विपमेंट लगाए जाने हैं, उसके बाद में ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाना है। तो यही वर्क चल रहा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आप सभी को साहिबाबाद RRTS का स्टेशन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो ना देर करते हुए चलते हैं और आगे का सीन आप लोगों को दिखाते हैं चल के। तो बने रहिए KP संत के साथ ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों। और आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। KP संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। यह है प्रियोरिटी सेक्शन दोस्तों, जो कि साहिबाबाद से और दुहाई के बीच में 17 किलोमीटर का ये पार्ट है और पहली बार इसमें रैपिड रेल चलाई जानी है दोस्तों। कुछ ही दिनों में इसका मुहूर्त कर दिया जाएगा, आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 17 किलोमीटर के पार्ट में दोस्तों पहली बार रैपिड रेल दौड़ेगी और उसके बाद में तो फिर पूरे भारत में इसका नेटवर्क बिछना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, बने रहिए ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। और ये सामने आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा साहिबाबाद RRTS का स्टेशन दोस्तों। देख सकते हो दोनों, आपको बता दूं कि दोनों एंट्री एग्जिट पर बन चुके हैं, तीसरे पर भी फिनिशिंग का काम चल रहा है, उस पर पत्थर भी लगाया जाएगा। तो देख लेते हैं चल के अंदर। तो देख सकते हो यहाँ पर ये ब्लैक टॉप भी कर दिया है, यानी कि पार्किंग बना दी है और इसमें जो एंट्री एग्जिट पॉइंट था वो भी बन के बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो किस तरीके से ये बनाया गया है, यहाँ पर सारे में ही गार्ड बिठा दिए हैं ताकि आम पब्लिक इसके ऊपर ना चढ़ सके दोस्तों। जब इसका मुहूर्त हो जाएगा, आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, तब यहाँ पर पब्लिक अपने आप आना जाना स्टार्ट कर ही देगी दोस्तों। अब चलिए यहाँ से तीसरे को भी देख लेते चल के। तो ये है नीचे का नज़ारा, देख सकते हो नीचे बिल्कुल काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। साहिबाबाद का स्टेशन तो बिल्कुल बनके कंप्लीट हो चुका है, जो तीसरा एंट्री एग्जिट पॉइंट है वो देख लेते चल के कि उस पर क्या कुछ वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे, वो आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो इस पर आपको बता दो, साहिबाबाद RRTS के स्टेशन पर 3 एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं दोस्तों, 2 तो आमने सामने हैं और तीसरा यहाँ पर है ये दोस्तों। ये साहिबाबाद के अंदर चले जाते हैं, साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है दोस्तों। तो यहाँ से देखो ये सेटरिंग लगी हुई है, इस पर सेटरिंग लगा के और इस पर क्या किया जा रहा है, इस पर बस पेंट किया जा रहा है दोस्तों। पेंट करने के बाद में यहाँ पर ये देखो पत्थर लगाने का काम किया जा रहा है, ये पत्थर लगाया जा रहा है, बाकी तो सारा काम हो चुका है। और अंदर का भी शायद एंड वो एक्सीलेटर और आपको बता दूँ ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों बन के। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो और वो जा रही है रैपिड रेल, देखो
ये साहिबाबाद के स्टेशन से होकर गुजर रही है और ये जाएगी सीधी कहाँ पर, दोहाई डिपो में है दोस्तों अंदर। तो ये देखो बनके कंप्लीट हो गया, फिनिशिंग का काम चल रहा है इस पर और ये पेंट किया जा रहा है दोस्तों। यही है साहिबाबाद का स्टेशन। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और इधर ये पत्थर लगाने का काम भी किया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हो ब्लैक टॉप कर दिया जा चुका है, मिट्टी ये डाली जा रही है प्लांटेशन के लिए दोस्तों। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्त। ये सामने दोस्तों आ चुका है गाजियाबाद RRTS का स्टेशन, देख सकते हो ये तो रेड लाइन का है और उधर ब्लू फ्लाईओवर है और इन दोनों को क्रॉस कर रही है ये रैपिड रेल। और आपको बता दूं कि भविष्य में सारी लाइनें यहाँ से जो हमारे उत्तर प्रदेश में है, जितनी भी रैपिड रेल की जो लाइनें कनेक्ट की जाएंगी वो इसी गाजियाबाद RRTS के स्टेशन से ही जॉइंट की जाएंगी दोस्तों भविष्य में। तो इसमें अभी दो लाइन तो क्लियर हो चुकी हैं दोस्तों, एक तो यहाँ से हापुड़ के लिए जाएगी और दूसरी जाएगी दोस्तों खुर्जा के लिए, यानी कि बुलंदशहर से आगे जो खुर्जा पड़ता है वहाँ से रैपिड रेल की ये लाइनें जोड़ी जाएंगी दोस्तों। और काफ़ी खूबसूरत ये गाजियाबाद RRTS के स्टेशन बनाया गया है, देख सकते हो ये ग्लास लगाने का इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों। अंदर का जो काम था वो बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है, जो वर्क बचा है वो नीचे का बचा है। तो इधर तो गिलास लगा दिया जा चुका है, दूसरी साइड में गिलास लगाया जा रहा है, तो वो भी देख लेते हैं चल के। आप बने रहिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हो ये सेटरिंग लगी हुई है, वो सेटरिंग इसीलिए लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर यह गिलास लगाए जा रहे हैं यानी कि सीते, और यह है एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है दोस्तों, जिसका इधर से भी दिया जाएगा और उधर से भी एंट्री एग्जिट पॉइंट दिया जाएगा। तो इसमें दोस्तों 5 एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं गाजियाबाद RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। देख सकते हो ये किस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर तेजी के साथ में, और हम आ चुके हैं दूसरी साइड में दोस्तों। तो इधर भी अभी पिलर बनाए जाएंगे एंट्री एग्जिट पॉइंट के लिए क्योंकि ये रोड को क्रॉस किया जाएगा। तो देख सकते हो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी गाजियाबाद RRTS के स्टेशन पर, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों वो क्या चल रहा है देखो, ये एंट्री एग्जिट पॉइंट के लिए बनाए जा रहे हैं, इधर ये ग्लास का काम चल रहा है और वो एक्सीलेटर लगा दिए हैं और बीच में ये स्टेयर्स भी हैं दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है अभी, मतलब कि ज़्यादातर फिनिशिंग का ही काम चल रहा है, बाकी तो सारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों आपको बता दूं। तो देख सकते हो आप लोग तस्वीरें के किस तरीके से यहाँ पर क्या खूबसूरत लग रहा है नज़ारा देखने में दोस्तों। बहुत यह है दोस्तों गाजियाबाद RRTS का स्टेशन, देख सकते हो उधर एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है और इधर देखो ये अभी शीशे लगाने का काम चल रहा है, यानी कि गिलास, जैसे कि उधर गिलास लगे हुए हैं उसी तरीके से इधर भी लगाए जा रहे हैं। बाकी प्लेटफॉर्म तो ऊपर बनकर कंप्लीट हो चुका है, तो अभी यही कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और ये इधर देख सकते हो ये पार्किंग बनाई जा रही है इस साइड में, इस चारे में ये पार्किंग बनाई जाएगी, ठीक है। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें तो किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, ये देखो यहाँ पर भी वो एक्सीलेटर लगा दिए हैं नीचे दोनों, और काम भी चल रहा है अभी तेज़ी के साथ में। तो आपको बता दूं कि जो इसका रैपिड रेल का मेन जो कि जैसे राकेश राजीव चौक बनाया गया है ना मेट्रो का हब, ऐसे ही गाजियाबाद का हब बनाया जाएगा दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो कुछ यही नज़ारे हैं, और ये है नए गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन यानी कि रेड लाइन का है दोस्तों। तो यही नज़ारे हैं देख सकते हो ये गाजियाबाद RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तेज़ी के साथ में, और इस पर देखो अभी पत्थर लगाने का और ये मिरर लगाए जा रहे हैं, मिरर यानी कि ग्लासेस लगाने का काम चल रहा है, जैसे कि उस फूड कोर्ट में तो लगा दिया दोस्तों ऑलरेडी, अब बस यही बचे हुए हैं। तो चलते हैं और दिखाते चल के आपको आगे का, ठीक है। आप लोग इन्जॉय करो, देखो क्या खूबसूरत है। और भाई साहब इसका डिज़ाइन तो देखने में इतना ही प्यारा लगता है, इतना ही मस्त लगता है, क्या ही बताएं आप सभी को। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी चंद को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी चंद के चैनल पर दोस्तों। देखो एक एंट्री एग्जिट पॉइंट उधर दिया हुआ है, एक इधर दिया गया है, देख सकते हो ये है स्टेयर्स दोनों साइड में, और वो है उधर एक्सीलेटर और सीढ़ियाँ भी है साथ में। तो यही नज़ारे हैं, तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आप सभी को आगे।
यहाँ से चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि क्या क्या वर्क चल रहा है गाज़ियाबाद RRTS के स्टेशन पर। तो आपको बता दूँ, ये फूड कोर्ट है सामने, और इस पर गिलास लगाने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जो नीचे अंदर का काम है वो अभी किया जा रहा है, और देख सकते हो यहाँ पर ये ब्लैक टॉप भी कर दिया गया है, और इसके बाद में ये दीवारें भी खड़ी कर दी गई हैं। तो अभी काम चल रहा है तेज़ी के साथ में, और अगले महीने इस पर रैपिड रेल चलना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। आम जनता के लिए इसको खोल दिया जाएगा दोस्तों, प्रायोरिटी सेक्शन को। तो तस्वीरें देख सकते हो, अभी यहाँ पर दिन रात कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों, क्योंकि इधर का तो देखो एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो बनाने का काम था वो तो बन गया है, कंप्लीट हो गया, और इसके ऊपर है फूड कोर्ट दोस्तों, देख सकते हो तस्वीरें। इस पर बस शीशे लगा दिए जा चुके हैं। इधर ये आपको बता दूं कि ये एंट्री एग्जिट पॉइंट के जो पिलर हैं वो देख सकते हो, इन पर पीआर कैप का काम किया जा रहा है ताकि इधर से भी जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से।